आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप ए टू जेड की पार्टी है ये। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है, अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर कि कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा, लड़ेंगे आखिरी सांस तक। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया, हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे, जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है, इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। या आप जानते हैं बीजेपी के लोगों ने दो दो उप मुख्यमंत्री बनाया है, एगो फाउल माउथ है, अनाप शनाप बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बरबोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बरबोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े, और लड़े हैं
और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, पांच पांच पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े, तो ज्यादा हम लोग क्या कहें। लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 MP बीजेपी को जिताया, आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की, कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ। इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा दे करके परोस देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं, झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया, जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया, किसको दिया, रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया, जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया, आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो कुल्लर लालू जी ने कुल्लर चलवाए, कुल्लर रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले, ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया, बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया आपके रहते हुए 10 साल, आपने क्या किया। भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस अब बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ,
क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक वो गाना सुने है आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उनके साथ मौका प्रस्त है।